मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ. फर्स्टली अनु और शशि को बहुत बहुत मुबारक कहना चाहती हूँ. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब मैं यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहती हूँ, लंदन में रहती हूँ, सिर्फ शूटिंग के लिए वापस आती हूँ. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ 18th ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी आई हूँ. एंड थैंक यू अनु एंड शशि, हर साल मुझे याद करते हैं. ITA अवार्ड की विनर भी रह चुकी हूँ, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली. और ITA जब स्टार्ट हुआ था मैं तब से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है. एंड लाइक आई सेड, कोइंसिडेंटली मेरी शूटिंग भी यहाँ हो रही है हिंदुस्तान में फिलहाल. सो आई एम जस्ट सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑल द वे मीरा रोड से आ रही हूँ यहाँ पर. बहुत सारी मेमोरीज हैं, मैंने ITA के लिए परफॉर्म भी किया है, ITA का अवार्ड भी मिला है. अनु और शशि व्हेन दे बिगैन देयर जर्नी, और जब ये ITA फॉर्म कर रहे थे तब भी मैं उनके साथ जुड़ी थी, क्योंकि मेरा 2000 में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था घर वाली ऊपर वाली के सेट्स पर, मानसी जोशी रॉय और मुकुल आनंद के साथ, मुकुल देव के साथ. तो मुझे शशि और अनु ने बहुत साथ दिया, ITA ने बहुत साथ दिया टू गेट मी माई जस्टिस, टू गेट माई वॉइस अक्रॉस टू पीपल. तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी, बिकॉज आई फील फॉर ITA फिलहाल आज के दौर में इज द ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट अवार्ड्स. मेरे व्यूअर्स को मैं तहे दिल से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ जो मैंने इस साल सीखा है, आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर है. तो प्लीज़ कोशिश करके किसी के कहने पर गुस्सा मत होइए, किसी के बुरे बातों पर गुस्सा बुरा मत मानिए. अपनी खुशी अपने आप पर डिपेंड कीजिए. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे हैप्पी बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थोड़ा सा आगे, थोड़ा हाँ प्लीज प्लीज. अब ITA अवार्ड नौजवान हो गया है, टीन को पार कर गया है, मतलब टीन हो गया है, जवानी में आ गया है. तो मेरी शुभकामनाएं, और ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ ITA अवार्ड के लिए, और एक्साइटेड हूँ कि मेरा नॉमिनेशन भी है बेस्ट नेगेटिव रोल में. एक्साइटेड हूँ कि शायद ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है, और एक्साइटेड हूँ अपने शो तेनालीरामा को लेकर के, जिसके आज शायद 3 या 4 नॉमिनेशन हैं. सो माई बेस्ट विशेज़ फॉर ITA एंड बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल द नॉमिनेशंस. किस विषय में? अभी क्या है, देखिए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते 32 साल हो गए, तो अब मेमोरीज तो इतनी हैं कि मुझे लगता है किताब में ही अभी बहुत हैं, बहुत अनगिनत हैं. मतलब जब मैं पहली बार बॉम्बे में आया था वो भी मेरे लिए एक मेमोरी है, जब मैं तमस के सेट पे 6 बड़ी बोरियाँ लेकर के पहुँचा था, ऑल द 1947 के पहले के बर्तन, कपड़े, जूते, वो सब गोविंद हलानी साहब ने मुझे बोला था चंडीगढ़ में, बोले मतलब सब खरीद के लेके आया था, वो भी एक मेमोरी है. जब पहली बार मैंने बॉम्बे में कैमरा फेस किया वो भी मेमोरी है. मेरा सैनिक फिल्म के दौरान एक्सीडेंट हुआ जब मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा था, वो भी एक मेमोरी है. बहुत सारे अवार्ड्स मिले वो भी सब मेमोरी हैं. सो ITA में सालों से आ रहा हूँ वो भी मेमोरी है. ये हमारे हमारी अम्मा जी हमारे तेनालीरामा की, और बिना लटके हैं आज. हाँ, और ये भी नॉमिनी हैं बेस्ट कॉमिक रोल के लिए. तो मेरी शुभकामनाएं निमिषा जी को. और ये हमारे चेले हैं मनी, और ये हैं धनी. और आज हमारे गुरुजी को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग हमने यहाँ से सीखते भी हैं साथ में. एक्टिंग स्कूल है हमारे सर. डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि ये मेरे रामा को परेशान कर रहे हैं, तभी तो मेरा रामा हिट हो रहा है. और हम इनको परेशान करते हैं पीछे से. अम्मा जी और गुरुजी के साथ काम करना परम सौभाग्य की बात है. ऑफकोर्स अवार्ड जो होता है बेसिकली क्या होता है, अवार्ड इज बेसिकली ऊर्जा, एनर्जी, प्रोटीन, खुराक होती है एक एक्टर के लिए.
सो ऑफकोर्स आई एम एक्साइटेड, शी इज ऑल्सो एक्साइटेड, एवरीबडी इज एक्साइटेड, और मैं तो चाहता हूँ कि सबको दे देना चाहिए अवार्ड. मैं निमिषा जी की तरफ से, धनी मनी की तरफ से, पूरे तेनाली रामा की टीम की तरफ से, पंडित रामाकृष्णा की तरफ से, सभी फैंस को, सभी प्रशंसकों को, सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है. ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारा शो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पर तरक्की करता चला जाए. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस. Well, I would like to wish everyone involved, you know, the very best always, because, you know, hosting something for 18 years is a very, very big feat, and I am really looking forward to many, many more years of these awards. Well, ये सिर्फ मेरा सेकेंड ईयर है आईटा अटेंड करने का, तो मैं पिछले साल की मेमोरी बता सकती हूँ कि मैं बहुत नर्वस थी. दिस ईयर आई फील लाइक आई एम बेटर प्रिपेयर्ड, तो आई एम दिस ईयर मोर रिलैक्स्ड एंड आई थिंक आई एंजॉय माई सेल्फ मोर. मैं अपने सब फैंस को एक बहुत ही हैप्पी एंड सेफ न्यू ईयर विश करना चाहूँगी. आई होप एवरी वन हैज a wonderful, wonderful time celebrating New Year's and an even better year ahead. Thank you. Thanks. Yeah. Yeah, it is AITA's 18th year, so I'm very excited. I wish Anu and Shashi the very best. They are the ones who started, pioneered in starting television awards, and it's an industry that has gotten very big over the last 18 years. This year, I guess, they're going to celebrate even a web series being part of this. They always do a wonderful job, and I wish them all the best and many more years to come. Absolutely. Many, शशि के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. आई एम डन हिज फिल्म दोबारा, एंड शशि और भी अवार्ड सेरेमनीज करते हैं, विमेन अचीवर्स अवार्ड्स, उनकी एनजीओ है फॉर गर्ल्स, सो दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ्स, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अनु एंड शशि बोथ ऑफ देम. आई हैव सीन देयर डॉटर सिंस दे वर लिटिल, सो या आई एम नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद आईटा, आई एम एसोसिएटेड विद शशि एंड अनु एज़ वेल. I think the most interesting thing about the web series that I have watched, like Sacred Games, Mirzapur, is first of all, aap non-stop dekh sakte ho. I think that's, you know, timing is a big thing in everybody's life today. We don't want to be dictated, 9 baje, same time, same place. It's very difficult to be present. That, and another thing, the characterizations are so good. The script is fantastic. It's gripping. It's so watchable. I want to see season 2 already. Haan ji, bilkul, web series ke offer aaye hain, but aap har web series ki script ko jo aapne dekha hai usse compare karte hain, aur kuch mere paas kuch aisa zabardast aaya to I would like to explore. Yes. करूँगी, कुछ अच्छा मिलेगा तो करूँगी, बिकॉज एसेंशियली वी आर ऑल आर्टिस्ट एंड वी आर लुकिंग टू डू दैट, एंड देन आई जस्ट स्टॉप डूइंग माई लाइव इवेंट्स एंड स्टार्ट डूइंग मोर टाइम, गिविंग मोर टाइम टू यू नो शूटिंग. आई डोंट लाइक टू थिंक अबाउट वॉट स्टोरी आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज वैन आई सी समथिंग फैंटास्टिक आई फील आह दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू डू. आई थिंक द राइटर्स आर सो गुड, आई थिंक दे विल बी एबल टू कुक अप समथिंग एंड देन आई विल बी एबल टू से यस और नो. But yeah, I like lighter stuff, not
I've been offered historical stuff, and I must say I felt a little lazy to get ready every day in that outfit, and so I was like, can I get something simpler? So yes, something simple. Yes, I'd like to wish all the viewers a very happy new year. I hope you have a wonderful 2019 and have a great Christmas. Thank you. इधर आ गए। ओके सर, आईटीए के बारे में कुछ भी मेरे को लगता है आईटी अवार्ड्स, आई थिंक इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जहां पर हर साल अच्छे अच्छे टैलेंट को नॉमिनेशन में लाया जाता है और उनमें से बेस्ट जो होते हैं उन अवार्ड दिया जाता है, और इसी बहाने जो हमारी टीवी की फैमिली है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, वरना मेरे को नहीं लगता कि सहारा में इस वेन्यू पे कभी हम टीवी वाले एक साथ इतने ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हुए हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो इन्होंने बहुत साल पहले शुरू किया था, एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर फॉर द फैमिली। चलो इसी बहाने एक दूसरे को मिल लेंगे हम लोग, इसी बहाने एक दूसरे से बात कर लेंगे, और इसी बहाने एक दूसरे को वो बोल देंगे ऑल द बेस्ट भाई, मुझे अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बोल देंगे, अदरवाइज सारा में इनको वैसे भी एंट्री नहीं मिलती है, तो इस बहाने इनको एंट्री मिली है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वरना कहाँ हम लोग कहते हैं ऐसे बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स में कहाँ आना जाना होता है हमारा, इसी बहाने आ जाते हैं रस्ते में गाड़ी। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ के खाने को मिलेगा जी। सर कंपटीशन में तब होता जब हम लोग ऑन एयर होते और साथ में कुछ और आ जाता, हम लोग अभी ऑन एयर है नहीं, कोई हमारा शो कॉमेडी सर्कस चल रहा था उसका फिनाले जो है ऑन एयर हो चुका है, और व्हेन आई थिंक व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग तो कुछ भी आसपास चल रहा हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी इतने सारे लोग हैं, शोज आने चाहिए, सबका काम है, एक शो से तो मेरे को लगता नहीं कि पूरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनका घर चलेगा, तो दो नए शोज आ रहे हैं और दोनों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, और अच्छा अच्छा करें, और जल्दी अच्छा करने के बाद जगह छोड़ दें, फिर हम फिर से वापस आएँ अपना शो लेके, क्योंकि सब लोगों को अपने घर की EMI देनी होती है जी। ऑल द बेस्ट है दोनों को, और कपिल भाजी को शादी के लिए भी बहुत बहुत बधाई, और दोनों मुझे लगता है कि अपने अपने जॉनर के वो मास्टर हैं, और एक नए चैनल पे आ रहे हैं, एक किसी और चैनल पे आ रहे हैं, तो दोनों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और देखने को मज़ा आएगा जब दो लोग कभी एक साथ काम कर रहे होते थे एक दूसरे के जब ऑपोजिट आ जाते हैं तो ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ बन जाती है, और आप लोगों को भी 3-4 दिन चलाने के लिए अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा जब वो लोग ऑन एयर जाएंगे, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बट इवन कॉमेडी में वो जो स्पेस है दोनों का बहुत डिफरेंट है, मतलब एग्जैक्टली इट्स नॉट द सेम स्पेस दे ओन, जैसे हम दोनों का बहुत डिफरेंट स्पेस है कॉमेडी में। हाँ, नए साल की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और कोई भी रेजोल्यूशन मत लीजिएगा क्योंकि हम लोग ले लेते हैं पूरा नहीं करते हैं, बस नए साल में नई उम्मीदों के साथ जाइए, और जितने भी हमें चाहने वाले हैं एक ही कसम खाइए कि जल्दी से जल्दी हमारा शो वापस आए, और जल्दी से जल्दी हम आपको एंटरटेन करें, एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग एवरी इंडियन टेलीविजन स्टार। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल ITA को लेके, बिकॉज अनु जी एंड शशि जी पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू यू नो दिस लवली अवार्ड शो, और हमेशा परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी होती हैं, दे हैव सच अ फंटास्टिक रेंज ऑफ अवार्ड्स, एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स गोना बी अ ग्रेट नाइट लाइक ऑलवेज। वेल
I don't really have memories with ITA, but I remember attending it very, very long ago. बहुत सालों से मैं attend नहीं कर पाई हूँ. जिस साल मैंने शायद attend किया था, उस साल perform किया था ITA पे, because I was also doing a movie with them, धूम धड़ाका, जो शशि रंजन जी ने direct किया था उस साल. और फिर उसके बाद काफ़ी gap हो गया and I was not able to attend. तो बहुत सालों बाद today on the 18th anniversary I'm attending the ITA. तो बहुत ही excited हूँ and I'm really looking forward to a चमकता हुआ night. Well, New Year is around the corner, so I would like to wish all of you a very, very happy, happy, happiest 2019. And bas shubhkamnaye dena chahungi, and I hope it's a rocking year for all of you. And any of you who haven't watched the Artao series, which is a new YouTube channel which I've launched, it's a talk, it's a motivational talk. Please go ahead and watch the Artao series because that's my latest work right now. Thank you. I'm happy. After a long time, I've come for an award function. इस साल में दूसरा है एंड पहले मिला हुआ है ITA इसलिए हैप्पी है. नॉमिनेशन आई थिंक इज बाय परफॉर्मेंसेज नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाट टोल्ड टू मी है ना. परफॉर्मेंसेज नहीं हो रहे हैं इस बार, एक नॉमिनेशन है मेरा और शो को बहुत सारे नॉमिनेशन. हो चुकी है ऑफ एयर, शो ऑफ एयर हो चुका है. आई डोंट नो व्हाट टू से, इवन आई एम इन द सेम बोट एंड इवन वर्स बिकॉज काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट थिक ऑफ द मैटर्स. सो आई डोंट नो बट आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर टेकिंग आउट देयर प्रेशियस टाइम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, नाइट आफ्टर नाइट. They have watched, they have tweeted, they have trended, they have made the existence of the show, you know, it was felt by everyone. So thank you for the little love. Pata nahi. Hopefully something nice and good soon. Happy New Year. Happy New Year. I had a, I don't know, after this pata chalega. But no, by doing this show, I think I have a good year and I'm looking forward to the end of this year. And Happy New Year, everyone. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुआ हूँ और जिस दिन मैं नॉमिनेट हुआ था उस दिन से लेके आज तक अभी तक मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि ये लाइफ में एकदम से क्या हो गया, क्योंकि इट्स जस्ट एक साल हुआ अभी हमारे शो को और इतना प्यार हमारे फैंस ने हमें दिया, हमारे शो को दिया. तो आई एम ब्लेस्ड कि यू नो मैं यहाँ तक पहुँचा. आज तो नहीं बट फ्यूचर में ज़रूर होगा. यार हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार करते हो हमारे शो को, शो के सारे कैरेक्टर्स को, इतना ध्यान देते हो हमारा, हमारे बर्थडे, हमारे जो भी चीज़ें होती है उसको स्पेशल बनाते हो, केक्स भेज के, गिफ्ट्स भेज के, जो इजी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है और फिर भी टाइम निकालना, तो इट्स अ बिग थिंग. सो थैंक यू सो मच. वो जो आप प्यार हमें देते हो शायद वो हम आपको कभी वापस नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल वील आई कीप ऑन ट्राइंग कि मैं आपको उतना प्यार दे सकूँ कि आप लोग सब खुश रहें. सबको हैप्पी न्यू ईयर और सबका नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत जो वो करना चाहते हैं लाइफ में वो सब
वो करें, जो पाना चाहते हो पाए. सो या थैंक यू Always ready. बोलो जी, ये कहना है? मैं तो यही कहूँगा, जैसे हर साल आई टी अवार्ड स्पेशल होता है और आज हम स्पेशल बन के भी आए हैं, तो जैसे हर बार खास होता है, एकदम खास होता है, हसम खास होता है, इस बार भी डबल खास होए. जैसे आई टी हर साल कुछ नए नए चीज़ें लेके आता है सबके लिए, तो इस साल और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना मिलेगा. देखो, आप दर्शकों को जब भी अच्छी चीज़ देंगे तो वो लोग आपको प्यार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमेडी है, क्लीन कॉमेडी है, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है. और दूसरी चीज़ है कि उसमें एक मैसेज भी होता है, और आज के टाइम में वो मैसेज बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं. आज 10 साल कम्प्लीट किए हैं, आईटा ने 10 साल कम्प्लीट किए हैं, दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, दर्शकों को गुदगुदाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और अच्छे प्रोग्राम देते रहेंगे. न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी लाए और ऑल द बेस्ट. आप अगले साल अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए एक अच्छा स्टेप लो और लव यू फैंस. हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, हमेशा ये ज़िंदगी में आपके लिए हैप्पीनेस लेके आए और आपकी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती लेके आए, क्योंकि हिट है, फिट है, तो ज़िंदगी में सब अच्छा है. तो सक्सेसफुल हों, खुश रहें, मोहब्बत से आगे बढ़ते रहें, और सबसे बड़ी बात याद रखना, आपका देश आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जय हिंद. आ गए इलेक्शन बोल दिया.